देश दुनिया देख रहे दर्शकों का मैं सतनाम सिंह मठोई स्वागत करता हाँ। इस विच असी नज़र मारांगे देश विदेश विच हो रही सरगर्मियां ते। आओ पहली खबर ते नज़र मारदे हां। हाल ही च एक अजिहा वीडियो सोशल मीडिया ते तेजी नाल वायरल हो रहा है जिस च सातवीं जमात दे एक बच्चे ने अपनी समझदारी नाल स्कूल दे 66 बच्चों की जान बचाई है। वायरल हो रही इस वीडियो विच एक स्कूल बस का ड्राइवर बस चलाउंदा नज़र आ रहा है। बस ड्राइवर की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है, वह कंबदा है और बेहोश होने लगता है। इस दौरान एक बच्चा तुरंत हरकत में आता है और स्टेयरिंग संभाल के उस बस को रोक देता है। यह घटना बुधवार को मिशीगन वापरी है। घटना तो थोड़ी देर बाद विद्यार्थी डेल रिवज कैमरे के फ्रेम में दिखाई देता है और स्टेयरिंग व्हील को संभालता है। फॉक्स टू ड्राइट के अनुसार वह सरका ब्रेकों की वरतों करके बस को सुरक्षित स्टाप से लियाने में कामयाब हो जाता है। सुपरडेंट रॉबर्ट लियोरनॉइज मुताबिक इस दौरान बस ट्रैफिक नाल टकराने वाली सी। जिमें ही उसने बस रोकी तो उसने कहा है कि कोई 1911 ते कॉल करके सारी जानकारी दी। इस दे नाल ही डिलन ने बाकी बच्चों नूं भी शांत रहन लई कहा, जिस विच कि एक बड़ी घटना वापरन तो टल गई अते इस बच्चे ने 66 बच्चों की जान बचा ली। अमेरिका के कैलिफोर्निया सूबे में भारतीय मूल के एक विद्यार्थी घर के दरवाजे की घंटी वजा के उस नाल मजाक करने वाले अल्लड़ उम्र के 3 नौजवानों का कतल करने का दोषी पाया गया है। ये जानकारी मीडिया आई एक खबर तो मिली है। न्यूयॉर्क पोस्ट की खबर मुताबिक रिवरसाइड काउंटी निवासी अनुराग चंद्रा ने शुक्रवार को कतल की कोशिश और कतल के 3 मामलों में दोषी मनिया गया। खबर में दसया गया है कि घटना 19 जनवरी 2020 वापरी है जदों नाबालग के एक समूह को बचा करते हुए चंद्रा के घर की घंटी बजाई। चंद्रा ने दसा है कि घंटी बजा के भजन तो पहला एक नाबालग ने उसका मजाक उड़ाया सी। उसने 3 नाबालगों अपनी कार नाल कुचल के मार दिता है। खबर में दसया गया है कि इस घटना 16 साल के 3 नाबालग मारे गए सन। जिस दिन हादसा वापरिया चंद्रा ने शराब पीती हुई सी। उसने कहा है कि वह मजाक तो बहुत परेशान सी अते दावा किया कि वह अपने परिवार की सुरक्षा नूं लैके चिंतित सी। उसने शरारती मुंडिया का पीछा किया अते उन्हां दी कार नूं टक्कर मार सड़क ते एक पासे डेग दिता। चंद्र ने यह भी दस्या है कि कार नूं पिछे तो टक्कर मारन तो बाद नहीं रोकिया गया क्योंकि उस नूं लग्या कि कोई जख्मी नहीं होया। खबरों मुताबिक हादसे में 18 साल ड्राइवर समेत 13 साल के यात्री वाल वाल बच गए। चंद्रा इस हादसे तो पहला 2020 घरेलू हिंसा की घटना के संबंध में दोषों का सामना कर रहा है। बीते दिन पंजाब के सबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अकाल चलाना कर गए। उन्होंने अकाल चलाने तो वख-वख धार्मिक राजसी समाजिक शख्सियतां दुख प्रगट कर रही ने। पिंड बादल विखे पहुँच के उन परिवार नाल दुख साझा किया जा रहा है। अजिहे विच ही पंजाब कांग्रेस के सबका प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू पिंड बादल पहुँचे और सुखबीर सिंह बादल अते उन्हां दे परिवार नाल नवजोत सिंह सिद्धू ने जिहड़ा दुख साझा किया। पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके 95 साल प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार को देहांत हो गया सी। उन्हां दा अंतिम संस्कार वीरवार को उन्हां दे जद्दी पिंड बादल विखे किया गया। देश के वड्डे आगू सरदार बादल की मौत तो बाद उन्हां दा दे परिवार नाल दुख बनाउण पिंड बादल वड्डे आगू जिहड़े पहुँच रहे हैं। इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू भी जिहड़ा उन्हां नाल दुख साझा करन पहुँचे। इसे दे चलदिआं प्रकाश सिंह बादल नाल जो नवजोत सिंह सिद्धू ने समा बताया उस ते भी खूब उन्होंने चर्चा की है, जिस विच उन्होंने दस्या कि 150 तो लेके 200 रैलियां जिहड़ी आ उन्होंने प्रकाश सिंह बादल नाल कीतियां ने अते उन्होंने कहा है कि सियासत लई प्रकाश सिंह बादल तो बहुत कुछ सीखण नूं मिलिया है। इत्थों तक कि उन्होंने कहा है कि जदों बाप दा छाया किसी पुत्र तो उठता है तो उसका जिहड़ा अहसास हुंदा है तो वह पुत्र ही समझ सकता है। जिस दे चलदिआं नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि यह सब दुख उन्होंने पहला हंडाए ने। लुधियाना विच आम आदमी पार्टी के संसद संजीव अरोड़ा ने अज सवेरे शहर के गैसपुरा इलाके विच हुई गैस लीक की घटना से डूंगा दुख प्रगट किया है। अज इतों जारी एक बयान विच उन्हां कहा है कि उन्होंने लुधियाना की डिप्टी कमिश्नर सुरभी मलिक नाल गलबात की है तो अज की दुखद घटना दे वेरवा मंगे हैं। अरोड़ा ने कहा है कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर वालों जाणू करवाया गया है कि पिछले कुछ समय तो संबंधित इलाके विच बंद पे एक कोल्ड स्टोर विच गैस लीक होण कारण घट्टो घट 9 लोगों की मौत का खदशा है। इस तो इलावा अरोड़ा ने कहा है कि ज़्यादातर पीड़ित गरीब परिवारों संबंधित हैं, इसलिए उन्होंने DMCH लुधियाना विच
जख्मी लोगों को मुफ्त इलाज मुहैया करवाउन दा भरोसा दिता है। दसनयोग है कि अरोड़ा DMCH प्रबंधक की कमेटी के प्रधान भी हैं। अरोड़ा ने पुलिस कमिश्नर लुधियाना मनदीप सिंह सिद्धू को पूरा सहयोग देने का भरोसा भी दिता है। इस दौरान अरोड़ा ने कहा है कि उन्होंने DMCH की प्रिंसीपल नाल भी गल की है और जो किसी को उत्थे शिफ्ट करने की लोड़ पैंदी है तो एमरजेंसी की स्थिति में सारे प्रबंध तुरंत किए जाने लिए अहम जिहड़ा उन्होंने फैसला किया है। इस दे चलदे करीब जिहड़े इत्थे 11 लोगों की मौत हुई है जिस विच कि 2 बच्चे दसे जा रहे हैं। यह दुखदायक घटना जिहड़ा लुधियाना के ग्यासपुरा इलाके वापरी है। कनेडा विच जिथे भारतीय मूल के पंजाबी उत्थे दे विकास और आर्थिकता विच अपना योगदान दे रहे हैं, उत्थे ही दूसरे पासे इस अपराधिक प्रवृत्ति के कुछ पंजाबियों की पनगाह बनता जा रहा है, जिसका बहुत सारा शर्मनाक घटनावां सामने आ रही ने। जेकर कनेडा दियां बीते साल विच अपराध दियां घटनावां ते नज़र मारीए जावे तो पता लगता है कि सब तो बड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट विच फड़े गए पंजाबी मूल के लोगों की शमूलीयत 40% के करीब है। यह सिलसिला इत्थे नहीं रुकिया, हुण कनेडा दे टोरंटो विच पुलिस नूं एक होर बड़ा खुलासा किया है कि कनेडा विच रह रहे पंजाबी मूल के लोगों गड्डियां दी चोरी विच भी पिछे नहीं हन। पुलिस ने हाल ही विच जो गड्डी चोरी दे 119 दोषियों की सूची जारी की है उस विच लगभग 43 लोग पंजाबी मूल के हैं और 314 अपराधिक दोषों का सामना कर रहे हैं। पुलिस ने इन अपराधियों को जल्दी गिरफ्तार करने का भी दावा किया है। पुलिस की जानकारी मुताबिक 2019 तो बाद गड्डिया के चोरी के मामले दुगने हो गए हैं। टोरंटो पुलिस ने आटो चोरी की चल रही प्रोजेक्ट स्टैलियन जांच दौरान अनुमानित $27 मिलियन भाव 2 अरब रुपए तो ज़्यादा मुल के 550 तो ज़्यादा चोरी के वाहन बरामद किए हैं। चोरी के दोष लगाने वाले कलैटिंगटन इजैक्शन के लोग शामिल हैं। अपराधियों का नैटवर्क इन्ना खतरनाक है कि ये लोग चोरी किए वाहनों सिपमेट राही दूसरे देशों के कार बाजारों में बेचने ले जाते हैं। पुलिस का कहना है कि अजे तक गिरफ्तार किए गए लोगों तो पूछगिछ में खुलासा होया है कि ये लोग छोटे छोटे ग्रुप प्रेस में काम करते सन पर व्यापक तौर पर विदेशी कार बाजारों नाल जुड़े हुए सन। तुहानू दस दिए कि जिन्हां पंजाबी लोगों ते वाहन चोरी के दोष लगे हैं वह नामवर लोग हैं। जाहिर है कि पंजाब के जिन्हां इलाकों नाल इन्हां लोगों का संबंध है उत्थों के लोगों के दिलों में उन्होंने बहुत ही सम्मान हो सकता है। टोरंटो पुलिस वालों पेश कीतियां इन्हां लोगों दी तस्वीर कुछ होर ही हकीकत बयान कर रही ने, जिसके चलदे एक बार फिर पंजाबियों नूं इन्हां लोगों कारण जिहड़ा है शर्मिंदगी का सामना करना पै रहा है। पाकिस्तान के बलोचिस्तान सूबे विच मंकी पॉक्स के मामले सामने आने तो बाद इस दी लाग नूं लैके स्कूलों हाई अलर्ट किया गया। सूबाई डायरैक्टोरेट आफ एजुकेशन ने एक नोटिफिकेशन विच जिला सिक्ख्या अधिकारी अते प्रिंसीपलां नूं वायरल इनफेक्शन के फैलन नूं कंट्रोल करने लई उचित अते तुरंत कार्रवाई करन अते रोकथाम उपाय करन लई कहा है। जेकर किसी विच इस दे लक्षण पाए जाते हैं तो उन्होंने हस्पताल नाल संपर्क करने की हदायत की गई है। इस दे नाल ही अजिहे विद्यार्थी जां व्यक्ति नूं दूजियां तो दूर रखने के निर्देश दिए गए हैं। जेकर योग है कि इस हफ्ते के शुरू विच पाकिस्तान विच विदेशों तो देश की यात्रा करन वाले दे लोग मंकी पॉक्स तो पीड़ित पाए गए सन। सेहत अधिकारियों के अनुसार मंकी पॉक्स के मरीज नूं सऊदी अरब तो डिपोर्ट किया गया सी अते मंकी पॉक्स के लक्षणों नाल 17 अप्रैल नूं पाकिस्तान पहुँचा सी। इस दौरान फ्लाइट च उस नाल बैठे एक होर व्यक्ति च भी मंकी पॉक्स के लक्षण देखे गए। इस दौरान WHO ने पाकिस्तान नूं मंकी पॉक्स वायरस नाल निजिठण लई मदद का भरोसा दिता है। संगठन ने एक बयान विच कहा है कि वह वायरस के फैलन की जांच लई पाकिस्तान सरकार नाल काम कर रहा है। WHO ने सरकार नूं विशेष तौर पर प्रयोगशाला टैसटिंग प्रक्रियावां दाखले के पॉइंट अते टैसटिंग किटा प्रदान करने विच सहायता का भरोसा दिता है। यह सन देश विदेश दी अहम सरगर्मियां। होर जानकारी लई देखते रहो देश दुनिया। धन्यवाद।